फिल्मों वाले लाल सिंह चड्ढा तो फ्लॉप हो गए, ये है पंजाब के रियल लाइफ लाल सिंह पाजी और इनका केसर दूध पूरे अमृतसर में सुपर हिट है। इनका दूध बनाने का स्टाइल, दूध फेंटने का स्टाइल बहुत ही गजब है और जितना मीठा इनका केसर दूध है उससे ज्यादा मीठी इनकी बातें हैं। तो चलिए मिलते हैं अमृतसर के लाल सिंह पाजी से। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल जी। आपका नाम? लाल सिंह। तो आज क्या बनने वाला है? एक केसर वाला दूध बनेगा, कढ़ाई मिलक ड्राई फ्रूट वाला मिला का है केसर। अभी लेट हो गए, तैयार हो रहा है। अच्छा, 7 बजे दुकान लगती है मगर लेट हो गए है। ये ड्राई फ्रूट है, ये अपना मसाला बनाया है हमने। गर्मी में हम पीस डालते हैं या अभी पिसा के डालते हैं? पिसा के डालते हैं। हाँ, गर्मी के वजह से थोड़ा सा थोड़ी कट रखते हैं, गर्मी है। अच्छा, लोग पसंद करते हैं यहाँ? बहुत 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 है, हमारे पंजाब की फेवरेट डिश है। अच्छा, हाँ, हमारे मुंबई वाले, गुजराती, सिंधी, पुणे वाले बहुत लाइक करते हैं। देखो दोनों भाई, पाजी कितना बन रहा अभी ये? 30 किलो के है, केजी 30 केजी। अभी इसको भरेंगे, अभी उबाला कच्चा दूध है, उसको उबाल के फिर डालेंगे, फिर पकते रहता है दम से। ये मिट्टी का बर्तन है, इसमें ही देते हैं ना? हाँ, इसमें देते हैं। ये कैल्शियम की पूरी और मिट्टी के बर्तन पुराने चलते थे। ओके, ये इसके लिए हम मिट्टी के भांडे में देते हैं। पहले हम लगाते थे चाय, चाय लगाते थे, चाय से फिर हम सफ़ेद दूध बेचे हैं। हम बोले पंजाब में कोई वैरायटी नहीं है सिंगों के लिए, यहाँ जो महाराज की संगत आती है, मैं भी आइटम कोई पेश करेंगे, वो बाबा ही करते हैं। भाई गुरु जो है ना परमात्मा, ये कराते हैं आदमी से। ये देखिए, ये गुलाब दे पत्ते, गुलाब ये इलायची सौ फिर ऊपर से डालते हैं। पचास रुपए जी, 50 रुपये। ड्राई फ्रूट आया, लो भाई 3 गिलास भाजी आ जाओ, 3 गिलास ताड़े, लो भाई लो, जिधे जिधे आई जाओ।
ਕਿੰਨੀ ਗਲਾਸ ਕਿਤੇ ਆ ਹੋ ਪਾਗਲ ਵਿਸ਼ੇ ਹੜੋ ਯਾਰ ਸੱਜਣਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਅਜੇ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਲਗਾ ਦੇਣਾ दो भाई चलो जाओ बन चुका है लो बुजुर्ग भाजी खुले दो 50 रुपए सोडा खुले दो यार हले तो आया मैं अरे कौन ताड़ी चीजी जोड़ती चलन दे खुले नहीं आगे भाई गुरु तो भाजी एक बार टेस्ट करके बताना कैसा है बहुत अच्छा है अच्छा लगा मतलब कितने साल से आ रहे हो अभी से आ रहे हैं अच्छा 5 मिनट पहले बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा अच्छा लगा ब्लॉग देख के आए थे आपके जैसे भाई का तो बहुत अच्छा लगा हाँ जी सुपाजी आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी और आपका स्टाइल बहुत ही यूनिक है सर एक बार यहाँ का एक बार क्लियर एड्रेस बता दीजिए यहाँ पे आओ गुरु अर्जन देव निवास दो नंबर गेट परमबुटा मार्केट यहाँ आओ किचन है गुरु रामदास पाशा का किचन है उसके बैक साइड लाल सिंह केसरिया दूध मुठे मुठे भाजी लगे होते हैं तो लोग आप हाथ तो सोच लोग आना मेरे काम का ये ना जाना मैं नहीं है क्या कहते यार